कांग्रेस के जिला संगठन महामंत्री ने एक वीडियो के जरिए भाजपा कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया कि भाजपाइयों ने स्थापना दिवस के दिन सरकारी स्थानों में तिरंगे की जगह अपनी पार्टी का झंडा लगाकर राष्ट्र ध्वज का अपमान किया है, जिसके लिए इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये वीडियो 6 अप्रैल भाजपा के स्थापना दिवस का है, जिसमें साफ दिख रहा है कि पंचायत भवन में भाजपा के कार्यकर्ता तिरंगे की जगह अपनी पार्टी का झंडा फहरा रहे हैं। इस वीडियो के सामने आते ही कांग्रेस ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर कार्यवाही की मांग की है। कांग्रेस के जिला संगठन महामंत्री देवेंद्र पाठक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाजपा का स्थापना दिवस मनाने में इस तरह व्यस्त थे कि उन्हें राष्ट्रीय ध्वज और उनकी पार्टी के झंडे में फर्क ही समझ नहीं आया, जिस वजह से वो राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कर रहे हैं। पाठक ने कहा कि हमने कलेक्टर और SP को इस संबंध में जानकारी दी है, यदि समय रहते इस मामले की कार्यवाही नहीं होती है तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। कायम हूँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस राष्ट्रीय पंचायत भवनों में जाकर ग्राम बघूर पंचायत का फोटो जो हमारे पास उपलब्ध है, उन पंचायतों में भाजपा के कार्यकर्ता जाकर के जहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता था उस चबूतरे में झंडा फंसा करके भाजपा का झंडा फहराया गया। ये काफ़ी बड़ा अन्याय है और ये हमारे प्रजातंत्र में हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और ये मांग करता हूँ जिला प्रशासन से कि जांच करके दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।